नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कमर दर्द बैक पेन के सबसे प्रभावशाली योगासनों के बारे में। इन योगासनों का आप नियमित अभ्यास करके अपने कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। इनमें से एक भी योगासन स्किप करने वाला नहीं है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की जानकारी भरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए जानते हैं उन योगासनों के बारे में। कमर दर्द के लिए सबसे पहला जो योगासन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हाथ कंधे के बगल में रखें, धीरे धीरे ऊपर उठें, गर्दन ऊपर उठा के रखेंगे श्वास लेते हुए। जहाँ तक आपको इजी लगे, दर्द नहीं हो, वहाँ तक आप उठा के रोक के रखेंगे। 10 गिनती रोक के रखें, 10 काउंट, ठीक है, ताकि आपके जो स्लिप डिस्क हुआ है वो पूरा उसका वाटर एब्जॉर्ब हो जाए, वापस से अंदर चला जाए। सुबह और शाम दोनों टाइम करनी है। एक बार इस प्रकार जैसे किया है तो इसमें 10 गिनती तक रोकना है, ऐसे ही आपको 10 सेट करने हैं, वापस से धीरे से रिलीज आराम से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप दोनों हथेलियाँ अपने थाई के नीचे रखेंगे, ठीक है, दोनों पैर घुटने से सीधे होंगे, एक साथ उठाएंगे। इस तरह से आपको रोक के रखना है ताकि आपके बैक के मसल्स मजबूत हो सके, ठीक है। रोकना है 10 गिनती, ये भी सुबह शाम 10-10 काउंट होल्ड करना है, 10 रेपिटेशन करना है, ओके। इस तरह से आपको रोकना है। शलभासन सेकेंड जो एक्सरसाइज है, योगासन है, वो है शलभासन, पूरे बैक के मसल्स को मजबूत करने के लिए। तीसरे नंबर आसन मकरासन। मकरासन के लिए दोनों कोहनियाँ आगे टिकाएँ इस तरह से, ठीक है, और चिन को सहारा दे देंगे। ये पोस्चर आपको मेंटेन करके रखना है, इसमें आप 2 से 3 मिनट आराम से रिलैक्स हो सकते हैं। फोर्थ नंबर योगासन, दोनों पैर को फोल्ड करें, दोनों हथेलियाँ कमर के बगल में इस प्रकार से टिका करके धीरे धीरे अपने कमर को उठाएंगे, जितना आप उठा सकते हैं उठाएं बिना दर्द के, और होल्ड करके रखेंगे, रोक के रखें 10 गिनती तक रोक के रखेंगे। सुबह शाम 10-10 रेपिटेशन करने हैं, 10 काउंट उसमें होल्ड करना, 10 गिनती तक रोकना है, 10-10 रेपिटेशन करने हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं सेतु बंधासन। पांचवें नंबर योगासन, फिर से आप इसी तरह से पैर बेंड करेंगे, इसमें दोनों हाथ फिंगर क्रॉस करके सिर के नीचे रखेंगे, श्वास लेंगे कंप्लीट इनहेल, श्वास छोड़ते हुए गर्दन राइट साइड और आपको पैर जो है लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करना है, स्पाइन ट्विस्ट करना है, ओके। जो फोरामेन कैनाल है वहाँ से भी आपको इसमें स्पाइन से रिलीज होंगे आपके नर्व, इस तरह से आपको एक तरफ रखना है, 10 गिनती तक रोकना है, श्वास लेते हुए गर्दन और पैर बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, ठीक है। ये आपको 10-10 गिनती तक होल्ड कर लेना है, 5 रेपिटेशन, 5 बार ये करना है सुबह शाम दोनों में। इस वीडियो में बताए गए योगासनों का नियमित अभ्यास करके आप अपने कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपकी समस्या ज़्यादा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो नीचे दिए हुए हमारे नंबर पर संपर्क करके हमसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे पास इसका प्रॉपर थेरेपी है, जिससे हम आपकी डिस्क को अंदर सेट करके आपको इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। Thanks for watching this video. Have a nice day. Take care yourself.